के तहत सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखें। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, है ना। दो चार नियम हम बताएंगे, अगर अच्छी तरह आप लोग फॉलो करें तो फिर गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। जैसे है, पहला है कि सिंपल नियम एक है कि हम नाउंस जो अगर है नाउन, जैसे काउ, बॉय, स्कूल, तो ये सब वर्ड्स जो हैं इसमें केवल एस जोड़ करके हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बाय एडिंग एस कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे सिंगुलर और इसको बनाना है प्लूरल, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे स्कूल है, इसमें केवल एस जोड़ना पड़ेगा, स्कूल्स हो गया। स्कूल मतलब एक विद्यालय और स्कूल्स मतलब बहुत से विद्यालय, है ना। अब जैसे है बुक, बुक्स, काउ, काउस, पेन, पेन्स, गोट, गोट्स, वाल, वाल्स, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, तो ये सब का हम लोग केवल एस जोड़ करके बहुवचन बना सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरा में हम लोग बाय एडिंग ईएस, लेकिन किसके अंत में, जिसके अंत में एस हो, एसएस हो, सीएच हो, एक्स हो, जिस नाउन के अंत में एस हो, एसएस हो, सीएच हो, एक्स हो, है ना, एसएच हो, उसके अंत में हम लोग ईएस जोड़ करके पूर्ण बनाते हैं। जैसे हाँ, तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच हो, तो उनमें ई एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन। गैस मतलब एक गैस, और ये अगर हम लोग कर दें गैस पे क्या जोड़ना है, एस है अंदर बताएं, एस है तो हम लोग ई एस जोड़ कर लेंगे गैसेस, ठीक है। अब इसमें देखिए मास है, तो क्या हो जाएगा भाई, डबल एस है, डबल एस रहने पर भी ई एस जोड़ रहा है, मासेस, है कि नहीं। अच्छा सी एच है, देखिए यहाँ पर सी एच भी है अंत में, तो सब में ई एस जुटेगा, तो क्या होगा, बेंच से बेंचेज, बेंच मतलब एक बेंच, और बेंचेज मतलब बहुत सारे बेंच, एक से अधिक बेंच, है ना। ब्रांच क्या होगा, ब्रांचेज,
एस जुड़ जाएगा, ठीक है। बैच, बैचेज, ठीक है। ऑक्स, देखिए ऑक्स है, एक्स है, इसमें क्या जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे ऑक्स का एक अपवाद है, ये ऑक्स को हम यहाँ ले सकते हैं, ऑक्स का ऑक्सन होता है, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, फॉक्स का क्या होगा, फॉक्सेस है ना, बॉक्स का बॉक्सेस, ये ठीक है ना, डिस का डिसेस, एच एस एस एच है ना, क्या जुटेगा एस, और ब्रश है तो ब्रशेस, ठीक है। इस प्रकार पूर्ण बन गया है ना, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर बाहरी, ठीक है, आप लोग इसको नोट करें और अभ्यास करें। तीसरा नंबर में हम लोग बाय एडिंग एस, केवल एस जोड़ करके हम लोग पूर्ण बनाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि अंत में वाई हो और आफ्टर ए वर्ब वाई हो, लेकिन वोवेल के बाद हो। यहाँ पर गौर कीजिए, वाई है लेकिन उसके पहले वोवेल, ए क्या है वोवेल है, वाई है, ई क्या है वोवेल है, ई है वोवेल, ई है वोवेल, ओ है वोवेल, है ना। तो वोवेल के बाद अगर वाई हो तो केवल एस जोड़ करके हम बनाएंगे पूर्ण, से बॉय का केवल वॉइस, संदेश है ना, मंकीज, केवल एस जोड़ेंगे, ट्रॉलीज, डंकीज, ट्वाइस, इसमें केवल एस जोड़ा, क्यों, वाई तो है लेकिन उसके पहले वोवेल है, जिसके कारण नियम है कि केवल एस जोड़ करके हम लोग उधर बनाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर हम लोग सीखेंगे, चौथे नंबर पर हम लोग सीखेंगे बाय एडिंग आई ई एस, एंडिंग वाई आफ्टर ए कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट से अंत हो रहा हो, जैसे ध्यान रहे यहाँ पर गौर कीजिए, वाई है लेकिन इसके पहले आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है ना, आर क्या है कॉन्सोनेंट, आर क्या है कॉन्सोनेंट, टी, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, बी क्या है कॉन्सोनेंट है ना, बी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम लोग आई ई एस जोड़ करके पूर्ण बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे वाई को हटा देंगे, वाई को हटा देंगे, उसके जगह पर आई ई एस का प्रयोग करेंगे, वाई को हटाते हुए रूविंग वाई हम लोग आई ई एस जोड़ करके ऐसे शब्दों का पूर्ण बनाएंगे, जैसे सी ओ यू एन टी आर, वाई को हटा देंगे, अब वाई को हटाने पर क्या लिखेंगे आई ई एस, कंट्रीज, ठीक है। उसी प्रकार बैटरी का क्या होगा, बैटरीज, क्या होगा बैटरीज, फैक्ट्री का क्या होगा फैक्ट्रीज, यस, वाई हट गया आई एस, है ना, सिटीज, ठीक है, हॉबीज, ठीक है, बेबीज, ऐसे बनेगा, ठीक है, ट्रॉफीज, टी आर ओ पी एच, वाई हटा देंगे क्या होगा आई ई एस, तो इस तरह हम लोग उस शब्दों का पूर्ण बनाएंगे, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ओ से अंत होते हैं, है ना, पर एडिंग ई एस, एंडिंग ओ, तो एंडिंग ओ से एंड कर रहा हो उसमें केवल हम लोग क्या जोड़ेंगे ई एस, और उसको बना लेंगे पूर्ण, जैसे हीरो क्या होगा हीरोज, ठीक है, ये जोड़ देंगे, मैंगोज, मैंगो से मैंगोज, पोटैटोज, पोटैटोज, ठीक है, जीरोज, ठीक है, टोमेटोज, तो इस तरह हम लोग
अंत हो रहा हो उसमें ई एस हम लोग जोड़ करके पूरा बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो छठा लेवल में लोग क्या जानेंगे कि बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू बी ई एस, एफ और एफ ई इंटू बी ई एस, मतलब अगर किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, तो हम लोग इनको हटाकर वी ई एस एफ या एफ ई को हटा करके इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग वी ई एस और बहुवचन बनाएंगे, पूर्ण बनाएंगे, है ना। सी ए एल एफ, सी ए एल, ठीक है, एफ को हटा करके क्या बनाएंगे वी ई एस, ठीक है। उसी तरह थीप्स काल का बेग बचा, काल का बहुत से बचे थीप्स, तो क्या हो जाएगा टी एच आई ई एफ को हटा करके वी ई एस, ठीक है थीप्स। लोब्स एल ओ ए वी ई एस, ठीक है। हाफ एच ए एल वी ई एस, हाफ, ठीक है। लाइफ तो क्या होगा भाई, लाइफ एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देंगे, बहुवचन बन जाएगा। वाइफ वाइफ्स, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एफ से अंत होने वाले और एफ ई से अंत होने वाले शब्दों में एफ या ई एफ को हटा करके और उस जगह पर वी ई एस जोड़ करके पूर्ण बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें, है ना। अगर कुछ हाँ, सातवां नंबर में सब स्पेशल केसेस कुछ अलग तरह के से बनाया जाता है पूर्ण, है ना। इसका कोई खास नियम नहीं है। जैसे ऑक्स, ऑक्स में हम लोग ई एन जोड़ करके पूर्ण बनाएंगे। ऑक्स का पूर्ण क्या लगा, ऑक्सेन। मैन का मेन, मैंस नहीं होता है ना, ए को चेंज कर देंगे ई में बन जाएगा। उसी तरह ओमेन का ओमेन, ए को चेंज कर दिया ई में, ठीक है। फुट का हो जाएगा फीट, ये डबल ओ जो है फुट्स में होता है, हालांकि रूस होता है, रूस होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, फुट का फीट। उसी प्रकार टूथ का टीथ, है ना। रेडियस, ये देखिए रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस। अब क्या है कि यू एस को हटा करके केवल आई को देने से ये पूर्ण बन जाएगा रेडियाई। फॉर्मूला, फॉर्मूले और मूला, मूला होता है केवल ई जोड़ करके हम लोग उसको बहुवचन बना सकते हैं। क्या कुछ स्पेशल केस है, उसको भी ध्यान में रखें, है ना। इस तरह हम लोग सिंगलर से पूर्ण बनाने के लिए आज हम लोग सीखें, इसका अभ्यास करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।